जब से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है उसकी मौत को लेकर कई सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूपी में अब तक जितने भी गैंगस्टर या माफियाओं की मौत हुई वो सभी सवालों के घेरे में रहे। अगर सिर्फ बीते 7 सालों की बात करें तो अब तक यूपी में 10 कुख्यात गैंगस्टर की संदिग्ध मौत हो चुकी है। कोई मेडिकल जांच या कोर्ट जाते समय गोलियों से मरा, किसी की कस्टडी के दौरान बीमारी से मौत हो गई और कई गैंगस्टर एनकाउंटर में मारे गए। लेकिन क्या आज तक इन सबका सच सामने आ पाया है? तो जवाब है नहीं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। यूपी में विकास दुबे से अतीक अहमद और मुख्तार तक तमाम गैंगस्टर की मौतों पर सवाल खड़े हुए, जांच बिठाई गई, लेकिन उनका सच आज तक किसी के सामने नहीं आ पाया। और आज कुछ ऐसे ही कस्टडी में मौत और एनकाउंटर में मारे गए कुछ चर्चित गैंगस्टर की कहानी और जांच की स्टेटस रिपोर्ट श्रेष्ठ भारत बताएगा, यानी वो सच जो शायद किसी ने आपको नहीं बताया हो। सबसे पहले बात करते हैं माफिया मुख्तार अंसारी की, क्योंकि मुख्तार के परिवार ने मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिए जाने का आरोप लगाया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी मौत की वजह सिर्फ हार्ट अटैक बताती है। दरअसल पहली बार 19 मार्च को बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी थी, उसे उल्टी और पेट दर्द की शिकायत थी। इसके बाद 26 मार्च को मुख्तार अंसारी की तबीयत दूसरी बार बिगड़ जाती है, वो जेल के अंदर ही बेहोश हो जाता है। उसे फौरन बांदा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया जाता है, जहां 17 घंटे तक उसका इलाज किया जाता है। अस्पताल से लौटने के 48 घंटे बाद फिर तीसरी बार मुख्तार की तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गया, और यहीं से मुख्तार की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 28 मार्च की शाम 6:40 पर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और वो फिर से बेहोश हो गया। अब मुख्तार को 2 दिन के अंदर दूसरी बार बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। जब वो जेल से अस्पताल पहुंचा तब भी बेहोश था, उसकी हालत बेहद नाजुक थी। इसके बाद रात ठीक 8:25 पर बांदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मुख्तार को मुर्दा करार दे दिया। इस मेडिकल बुलेटिन में डॉक्टरों ने मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ना बताया था। वहीं मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने मुख्तार अंसारी को जहर देने का आरोप लगाया, जिसके बाद इस जांच के आदेश दिए गए और 1 महीने के अंदर जांच की रिपोर्ट सौंपने को कह दिया गया। पर क्या वाकई इसका सच सामने आ पाएगा, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अब बात करते हैं अतीक अहमद की, क्योंकि 5 अप्रैल 2023 की रात को प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई। दोनों को सरेआम टीवी कैमरों के सामने गोली मार दी गई थी। वो दोनों उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी थे, जिसको लेकर भी सवाल उठे थे, और सवाल उठाते हुए कहा गया था कि रात 10 बजे मेडिकल चेकअप के लिए क्यों ले जाया जा रहा था, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी फिर भी ऐसा क्यों किया गया, अतीक अहमद को मीडिया में खुले में क्यों लाया गया। जिन्होंने अतीक की हत्या की वो एक दूसरे से अनजान थे। शूटरों के पास 7 लाख से ज्यादा कीमत के हथियार कहां से आए? हत्या के बाद सभी तीनों ने सरेंडर किया, आसानी से ये कैसे हो गया? और इन सभी सवालों के बाद जांच की बात की गई थी। हत्या की जांच के लिए 16 अप्रैल 2023 को एक न्यायिक आयोग बनाया गया था। 11 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक डिटेल स्टेटस रिपोर्ट भी भेजी, जिसमें बताया गया कि अतीक अहमद की हत्या में पुलिस का कोई फॉल्ट नहीं है, निष्पक्ष जाँच में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन उसका सच आज तक सामने नहीं आ पाया। अब बात करते हैं अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की, क्योंकि यूपीएसटीएफ की टीम ने उमेश पाल हत्याकांड के 50 दिन बाद इस केस में आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम मोहम्मद को झांसी में एक मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया था। दरअसल उस दिन शूट आउट की जो तस्वीरें मौकाए वारदात पर लगे कई सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी, उनमें से एक कैमरे की फुटेज में दिख रहा था कि उमेश पाल की कार के पीछे एक सफेद रंग क्रेटा कार चल रही थी। जब उमेश पाल पर हमला हुआ था तो एक शूटर उस क्रेटा कार से निकलकर बाहर आया था और उसने भी उमेश पाल को निशाना बनाकर गोलियां चलाई थी। उसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जब शिनाख्त की थी तो पता चला था कि वो शूटर कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद अहमद था। इसी के बाद से यूपी पुलिस ने उसका नाम 5 प्रमुख आरोपियों की लिस्ट में शामिल कर लिया था।
लेकिन जैसे ही असद का एनकाउंटर होता है उस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। असद के मारे जाने पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा था कि झूठे एनकाउंटर करके बीजेपी असल मुद्दों से भटकाना चाहती है। वहीं इसकी जब जांच की बात सामने आई तो 30 सितंबर को योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट भेजी, जिसमें कहा गया कि असद और गुलाम के मामले में पुलिस की कोई गलती नहीं पाई गई। फिलहाल ये मामला अभी कोर्ट के अंदर है। अब बात करेंगे विकास दुबे एनकाउंटर की, जो यूपी में काफी चर्चा का विषय रहा था, क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। उज्जैन से कानपुर लाए जाने के दौरान बर्रा इलाके में एसटीएफ की वह गाड़ी पलट गई जिसमें दुबे मौजूद था। पुलिस का कहना था कि दुर्घटना का फायदा उठाकर विकास दुबे ने एक पुलिसकर्मी से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और मारा गया। हालांकि पुलिस की इस थ्योरी पर कई सवाल भी खड़े हुए थे। सवाल उठा कि आखिर काफिले की वही गाड़ी अचानक कैसे पलटी जिसमें विकास दुबे मौजूद था। अगर इसे संयोग मान लिया जाए तो भी ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि जब इतने बड़े अपराधी को पुलिस गाड़ी में ले जा रही थी तो उसके हाथ खुले क्यों थे? क्या उसे हथकड़ी नहीं लगाई गई थी? लेकिन जब इसकी जांच हुई तो इन सभी सवालों को नकार दिया गया और पुलिस की थ्योरी को सही करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीएस चौहान की अध्यक्षता वाले पैनल ने इसकी जांच की थी, जिसमें कहा गया था कि विकास दुबे का एनकाउंटर मामला, जिसमें पुलिस कह रही है कि उसमें कोई शक नहीं है और पुलिस की बातों को सही ठहराया गया, यानी पुलिस ने जो कहा उसे मान लिया गया और इसकी जांच आगे चलती रही। खैर, यूपी में ऐसे कई गैंगस्टर रहे जिनकी मौत पर सवाल खड़े हुए और उन्हीं में से एक मुन्ना बजरंगी भी था, जिसकी कहानी भी आपको जान लेनी चाहिए। दरअसल 9 जुलाई 2018 की सुबह बागपत जेल में माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई थी। सुनील राठी नाम के गैंगस्टर ने उसे 10 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया था। मुन्ना बजरंगी ने हाई कोर्ट में याचिका डाली थी जिसमें उसने हत्या की आशंका जताई थी, जिसके बाद इसी याचिका पर सुनवाई होनी थी। इससे पहले बजरंगी की पत्नी ने भी लखनऊ में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस कॉन्फ्रेंस में भी सीमा सिंह, जो कि उसकी पत्नी थी, अपने पति के कत्ल की आशंका जताई थी और इसलिए मुन्ना बजरंगी की हत्या को लेकर सवाल उठे। सवाल ये कि जेल में पिस्टल और कारतूस कैसे पहुंच गए? बंदियों से मिलने के लिए जब मुलाकाती आते हैं तो अपने साथ अमूमन खाने का सामान लाते हैं और उनकी भी बेहद गंभीरता के साथ तलाशी होती है। बागपत जेल को 3-लेयर सिक्योरिटी जेल कहा जाता है, मगर हैरानी की बात ये थी कि जेल में सीसीटीवी नहीं थे। ना तो जेल के फ्रंट गेट पर सीसीटीवी कैमरा थे और ना ही तन्हाई बैरक के आसपास सीसीटीवी कैमरा थे। जेल में पिस्टल से 10 राउंड फायरिंग हुई, जबकि एक पिस्टल में 8 कारतूस ही आते हैं। खैर, सवाल तो कई उठे, जांच भी हुई, लेकिन अब तक इस मामले में जांच चल ही रही है। जनवरी 2023 में केस की जिम्मेदारी सीबीआई को दिल्ली यूनिट को सौंप दी गई, लेकिन अभी तक मामले में कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आ पाई है। यूपी में ऐसे कई मामले रहे जिसके बारे में भी आपको जानकारी देनी जरूरी है। जैसे 30 सितंबर 2022 को जौनपुर में गैंगस्टर विनोद कुमार सिंह के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़। बदलापुर थाना क्षेत्र में जौनपुर पुलिस और विनोद के बीच फायरिंग हुई थी। विनोद मारा गया, जिसके बाद मामले की जांच चलती रही। 7 जून 2023 को जेल में बंद गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा की लखनऊ अदालत परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो मुख्तार अंसारी का सहयोगी था। उस पर 2 बीजेपी नेताओं ब्रह्मदत्त त्रिवेदी और नानंद राय की हत्या समेत कई आपराधिक मामलों में केस दर्ज थे। खैर, इन सभी एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो जाते हैं, जिस पर कई वकीलों से जब बातचीत की गई तो ये बात सामने आई कि भारतीय संविधान में एनकाउंटर जैसा कोई शब्द ही नहीं है। ये पुलिसिया कार्रवाई के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। कस्टडी में मौत को लेकर सीआरपीसी में साल 2015 में 176(1)(a) प्रावधान जोड़ा गया। इसके अनुसार किसी व्यक्ति की न्यायिक हिरासत में मौत होने, उसके गायब होने या दुष्कर्म होने के मामले में मजिस्ट्रेट जांच जरूरी है। इसके तरीकों को लेकर भी अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी किया। फिलहाल ऐसे मामलों में शुरुआती जांच अक्सर उन्हीं पुलिसकर्मियों द्वारा की जाती है जिनकी हिरासत में व्यक्ति की मौत होती है। ऐसे में कई बार मौत के स्पष्ट कारण का पता नहीं चल पाता।
ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस और डॉक्टर द्वारा पक्षपात करने की आशंका भी बनी रहती है। वैसे हिरासत में हुई मौत को लेकर कई सख्त निर्देश होने के बावजूद कई कमियों के चलते जांच नहीं हो पाती और कई एनकाउंटर में ऐसा ही देखा गया। जब तक कि सरकार खुद ना चाहे और जांच होती भी है तो उसका अंजाम क्या होता है वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।